उत्तर प्रदेश का चुनावी विश्लेषण क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव होते हैं तो किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, जातिगत समीकरण क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री इस वक्त कौन दिखाई दे रहा है, इस वक्त अगर चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, सटीक चुनावी विश्लेषण दिखाने वाले हैं। जहां दोस्तों अगर बात करें मायावती जी की, या अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ या कांग्रेस बाड्रा परिवार से, इस वक्त कौन आगे चल रहा है, इस पर राजनीतिक विश्लेषण सामने आ चुका है। आने वाले चुनाव की अगर बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, यूपी, वो काफी महत्वपूर्ण राज्य है। इन राज्यों में सरकार बनाना आप कहीं ना कहीं किस पार्टी के पक्ष में कितने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। अगर बात करें मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का सियासी ड्रामा देखने को मिला था, इसके बाद राजस्थान में इस प्रकार की जो है सियासत देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, यानी कहें तो अब छत्तीसगढ़ और यहाँ पर झारखंड में कांग्रेस, यहाँ पर झारखंड में गठबंधन में है तो छत्तीसगढ़ में अपने दम पर सरकार में है, और इसके अलावा राजस्थान में भी सरकार अपने दम पर है, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच जिस प्रकार की यहाँ पर रणनीति देखने को मिल रही है और राजनीति हो रही है, उसके बाद क्या कुछ होगा, इसके बाद भी आपको कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिए किस प्रकार के आंकड़े बने थे 2017 में, जिस प्रकार से चुनावी रिजल्ट देखने को मिला था, शायद ही किसी ने इस प्रकार के अनुमान लगाए थे, लेकिन 2022 में किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, इस पर सटीक यहां पर विश्लेषण आ चुका है सामने। एसपी जो है यहां पर 55, तो बीएससी 19 और अन्य को यहां पर कुछ सीटें हासिल हुई, लेकिन आने वाले चुनाव में किस प्रकार से यहां पर सीटें मिल सकती हैं, और वोट परसेंटेज भी देखें किस प्रकार का वोट परसेंट रहा था। देखिए बीजेपी को 40% लगभग वोट शेयर मिला, बीएसपी को 22, लेकिन सीटें कम, एसपी को 21%, कांग्रेस को 6%, इस प्रकार से जो है 2017 चुनाव में वोट परसेंटेज मिला, लेकिन 2022 में किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए क्या विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का जो आंकड़े बन सकते हैं, किस प्रकार के जो है इस बार जो है मुद्दे हो सकते हैं, कौन यहां पर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री रहेगा, इस पर भी आपको आंकड़े दिखाएंगे, और सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है, इस पर भी आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो इस बार अखिलेश यादव का लक्ष्य कम से कम 350 सीट उन्हें मिलना चाहिए। अब कैसे उनको इतनी सीट मिल पाएंगी, यहाँ पर बीएसपी की क्या होगी रणनीति, और कांग्रेस यहाँ पर रणनीति के तहत काम कर रही है, लोकसभा में जिस प्रकार से चुनावी मैदान में यहाँ पर कांग्रेस बाड़ा परिवार उतरा, लेकिन अब क्या होने वाला, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बन चुकी है, तो क्या उन्हें जनता पसंद करेगी, या फिर योगी आदित्यनाथ की अब यहाँ पर एक वापस से वापसी होगी, तो क्या कुछ आंकड़े बनेंगे, इसके लिए भी आपको आंकड़े दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लिए अगर आंकड़े देखें तो किस प्रकार का यहाँ पर कह सकते हैं, किस प्रकार का समुदाय किसके पक्ष में जाता है, अगर बात करें हिंदू यहाँ पर जो है वो 79% आते हैं, जो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कुछ अन्य मुद्दे रहे हैं, इसका फायदा किसे होगा, इस्लाम अगर बात करें तो 19 और अन्य 1% यहाँ पर समुदाय आता है। अगर बात करें यहाँ पर ओबीसी के लिए तो 40% यहाँ पर वोटर्स हैं, वर्वड अगर समुदाय की बात करें तो 23% आता है, मुस्लिम यहाँ पर 19% आता है, यानी ये किसके पक्ष में कौन वोट करता है वो भी सारे आंकड़े आपको दिखाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एसपी के साथ कौन, देखिए ओबीसी यादव वोटर्स और मुस्लिम समुदाय यहाँ पर आता है, लेकिन एसपी के लिए नुकसान अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वो है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो कांग्रेस और यहाँ पर कह सकते हैं एसपी का वोट जो है उसको काट सकते, क्योंकि 19% वोट शेयर जो है मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश से आती है, अगर 19% वोट शेयर एकदम जो है कह सकते हैं कि अजहरुद्दीन ओवैसी की तरफ चला गया तो जमकर नुकसान एसपी को होगा। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के साथ, देखिए अपर कास्ट के अलावा यहाँ पर बनियास यहाँ पर कह सकते सपोर्ट करते हैं, और यादव ओबीसी और नॉन जाट ऑफ दलित भी उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मायावती जी के साथ दलित वोटर्स हैं और कुछ अन्य हैं, इसके अलावा कांग्रेस के साथ भी इस तरह के आंकड़े बन रहे हैं कि उनके साथ कह सकते हैं कि एसपी का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस में सम्मिलित हो सकता है, अजहरुद्दीन ओवैसी पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतरती है तो जमकर इनको नुकसान हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में यहाँ पर प्रियंका गांधी उतरती है तो उनको कितना फायदा होता है, लोग उनको कितना पसंद करते हैं, देखिए अगर उतरती है चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री के पद के तौर पर उतरते हैं तो हाँ कहते हैं 67% लोग के कांग्रेस को फायदा होगा। अब कितना फायदा होगा, क्या वो मुख्यमंत्री पद की एक बड़े दावेदार बन पाएंगे, इस
इसके बारे में भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। नहीं लोग कहते 30%, कुछ कह नहीं सकते, ऐसे 3% लोग यहाँ से निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पर देखिए लोगों का मन है और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उस पर देखिए मायावती को लोग मानते हैं कि 5% लोग, यानी 4 या 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक भी बार यहाँ पर मायावती ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया 5 साल का। लेकिन अब कहीं ना कहीं मायावती काफी पीछे नजर आती हैं। लेकिन अब क्या कहता है, देखिए योगी आदित्यनाथ को 32% लोग मानते हैं कि उनकी वापसी यहाँ पर हो सकती है, एक अच्छा उम्मीदवार यूपी के लिए हो सकते हैं। अखिलेश यादव को 39%, प्रियंका गांधी को 23% लोग मानते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो अखिलेश यादव वो नेता है जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जो कि यूपी के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। अब अगर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सबसे बेहतर किसकी सरकार रही है, देखिए बीजेपी 33% लोगों का मानना है, कांग्रेस के लिए 9%, एससी के लिए 41 और बीएससी के लिए 11% लोगों का मानना है। इस प्रकार से जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल के सबसे बड़े जो समस्या है उनके लिए यहाँ पर ये सरकार काम कर सकती है। सुशासन से क्या कहना है लोगों का, यूपी के लोगों का क्या कहना है, बहुत अच्छा कहते हैं 30% लोग, अच्छा कहते 6%, औसत 6, खराब कहते 11, बहुत खराब 48% लोग यहाँ पर मानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में रोजगार की अगर बात करें तो 18% लोग कहते हैं यूपी में रोजगार है, अच्छा कहते हैं 8%, खराब कहते 10%, बहुत खराब कहने वाले 59% लोग हैं, औसत यहाँ पर 5% निकलता है। कौन जीत सकता है अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश चुनावी विश्लेषण 2022 के अंदर अगर बात कर लें तो 2017 में बीजेपी ने 40% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन जो आंकड़े निकल रहे हैं बीजेपी 31% वोट शेयर हासिल कर सकती है, तो बीएसपी को 4, एसपी का जो वोट शेयर है वो 40% के करीब दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के लिए 23% वोट शेयर यहाँ पर मिल सकता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश चुनावी विश्लेषण 2022 की अगर बात करें तो सबसे जो कह सकते हैं कि टक्कर जो देगी अगर किसी पार्टी को और जो खेल खराब करने वाली है एसपी कांग्रेस के लिए वो है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, चुनावी मैदान में उतरने ही वाली है ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अब वो कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरती है ये आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन माना जा रहा है कि कम से कम वो यहाँ पर 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर 19% वोट शेयर यहाँ पर मुस्लिम आबादी से आता है। अगर उन्होंने 19% वोट शेयर अपने पक्ष में किया तो एसपी और कह सकते हैं कांग्रेस को जमकर नुकसान होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट लोग यहाँ पर आंकड़े रख रहे हैं। इसके अलावा भीम आर्मी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरती है और भीम आर्मी का सपोर्ट किसको रहता है, वो किसके साथ गठबंधन में जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन ये भी काफी माना जा रहा है कि इस बार वो एक बड़ा यहाँ पर इफेक्ट डाल सकते हैं और बीएसपी को जमकर नुकसान भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए बात करें तो गठबंधन किस प्रकार से रहे हैं और जो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2017 में चुनाव हुए थे उसमें अगर बात करें तो कांग्रेस और यहाँ पर एसपी ने अपना गठबंधन किया लेकिन ज्यादा फायदा उनको हुआ नहीं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी यहाँ पर कह सकते हैं कि महागठबंधन देखने को मिला लेकिन महागठबंधन भी फैल रहा, तो यानी 403 सीटों वाले 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए बन जाती है। और जिस प्रकार से 2017 में आंकड़े देखने को मिले थे, क्या 2022 में भी इस प्रकार के आंकड़े बीजेपी जुटा पाएगी या फिर तख्ता पलट होने वाला है, इस पर सटीक आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए अन्य के खाते में 6 सीट के आसपास सीट यहाँ पर जा सकती हैं, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं उनके लिए 6 सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ पर भीम आर्मी के लिए अगर बात की तो 1 सीट के लगभग उन्हें सीट मिल सकती है, लेकिन वो किस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरते हैं, गठबंधन में जाते हैं या फिर अलग से चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो अजहरुद्दीन ओवैसी पार्टी के लिए फिलहाल 2 सीट दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर वो एसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह जाते हैं और उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव के लिए यहाँ पर सीटें मिलती हैं तो उनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है और काफी महत्वपूर्ण भूमिका में इस बार वो हो सकते हैं, ऐसे लोगों का मानना है। अपना दल जो बीजेपी का सहयोगी है उसके लिए 4 सीट यहाँ पर मिल सकती है और कह सकते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हैं और बीजेपी उन्हें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने देती है तो फिर यहाँ पर इनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है। यहाँ पर अगर बात की तो बीएसपी के लिए यहाँ पर माना जा रहा है कि बीएसपी अकेले ही चुनावी मैदान में इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती है, तो 403 सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारते हैं यहाँ पर कुछ अन्य सीटों पर जो है अन्य को यहाँ पर समर्थन देती है तो फिर यहाँ पर 28 सीटों के आसपास यहाँ पर बीएसपी को सीटें आ सकती हैं। हालांकि यहाँ पर कह सकते हैं कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर गठबंधन अगर वो एसपी के साथ कर लेते हैं
कांग्रेस, और यहाँ पर कह सकते हैं कि फिर सीटों में बंटवारा होगा, तो ऐसे में जो है 28 सीटों के आसपास कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं। अकेले चुनावी मैदान में अगर वो उतरते हैं, क्या गांधी को लोगों का सपोर्ट रहा, और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री के तौर पर वो उतरती हैं तो फिर इन आंकड़ों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी को फिलहाल जो है 150 सीटों के आसपास यहाँ पर सीटें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है बीजेपी का आंकड़ा जो है बहुमत के पार पहुंच जाए, लेकिन इस वक्त ये सीटें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस सरकार का माहौल बना हुआ है और लोगों का यहाँ पर मानना है इस सरकार के आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी प्रचार करती है, योगी आदित्यनाथ भी काफी बड़े अब एक बीजेपी कैंडिडेट बन चुके हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जो समय है उसको देखते हुए इन आंकड़ों में यहाँ पर इजाफा बीजेपी कर सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो एसपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, जिस प्रकार कमेंट बॉक्स में आपकी राय मिलती है, यहाँ पर लोगों का मानना है, बड़े अक्सर लोग यहाँ पर आंकड़े रखते हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर एसपी को 180 सीटों के आसपास सीटें मिल सकती हैं। यानी 2022 में किसी एक बड़ी पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन एसपी के साथ यहाँ पर कह सकते हैं कांग्रेस यहाँ पर आ जाती है तो यकीनन जो है फिर एसपी कांग्रेस के लिए जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कह सकते हैं अजहरुद्दीन ओबीसी पार्टी चुनावी मैदान में उतरते हैं, और अगर गठबंधन नहीं होता है तो यकीनन बीजेपी इस बार भी 2022 में अपनी सरकार बना लेगी, क्योंकि यहाँ पर सीटों में बंटवारा हो रहा है, बूट शर्ट कट जाएगा सभी बड़े दलों का, और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा, ऐसा बड़े एक्सपर्ट लोगों का मानना है। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में किसकी बनने जा रही सरकार और कितनी सीटें उनको मिल सकती हैं, इस पर राय अपनी रख सकते हैं। आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से सीट यहां पर बढ़ती हैं, उसके बाद जो है आंकड़ों में बड़ा हेर फेर भी मिल सकता है, तो अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली उत्तर प्रदेश की सभी जानकारी आपको मिलती रहे।